वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, किसी सी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 19.2 सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग पहले बाकी के पिछले वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएंगे, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैसे सी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 21 का पहला। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 21 का पहला दिया हुआ है 1 - cos x / 1 + cos x dx। एक सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है, समाकलन करना है। बेसिकली देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो सब बन जाएगा। 1 - cos x क्या होता है? 2 sin² x / 2। 1 + cos x 2 cos² x / 2। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। 2 से 2 कट गया, फॉर्मूले पता नहीं रहेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। sin² x / 2 cos² x / 2। sin / cos क्या होता है? tan² x / 2 dx। अच्छा, tan² x / 2 इसको सॉल्व करने तो आता नहीं है, फिर कैसे सॉल्व हो पाएगा? ये चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से हम लोग एक और इसको रिफॉर्मेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है sec² x / 2 - 1। अब ये बन जाएगा, sec स्क्वायर का क्या होता है? tan² x / 2 x / 2 रह जाएगा, x / 2 का 1/2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस में c। इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, तीसरा बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो 2 tan² x / 2 - x + c। ये आपका राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का 2, cos x / 1 + cos x दिया हुआ है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत ही बेसिक तरीका से सॉल्व करेंगे। नीचे जितना दिया हुआ है उतना ही ऊपर आप भी बना देंगे। कैसे बना देंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं। 1 + cos x मैंने ऊपर भी बना दिया, 1 अपने जोड़ा तो 1 आपको घटा भी, तो बन गया सवाल आपका 1 + cos x। बहुत ही इजी वे में था, यहाँ से माइनस वाले से सेपरेट कर लेंगे। 1 + cos x / 1 + cos x - 1 / 1 + cos x dx बन गया। 1 + cos x कट गया, यहाँ पे बन गया 1 - 1 / 1 + cos x का फॉर्मूला डाल दो, 2 cos² x / 2 dx। ये 1 1 रह गया, माइनस हाफ तो हाफ ही रहेगा। कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाता है? ये sec² x / 2 dx। ये देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, हाफ रहने दो, sec² x का tan x / 2 और ये इसका 1/2 dx। तीसरा बटा ऊपर चलाता है, इससे अच्छा है काट दिया जाए। आपका बन गया सवाल भाई, x माइनस tan x / 2 + c। ये आपका राइट आंसर है, नोट डाउन करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है sec x / tan x dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, रिफॉर्मेशन करना है। sec x को भेजिए 1 / cos x, इसको भेजिए 1 / cos x, tan x को sin x, बटा में cos x dx। अच्छा, 1 / cos x इधर भी है, 1 / cos x, इसको कॉमन लेके काट दो, ये आपका हो जाएगा। मन करो तो एलसीएम ले सकते हो, 1 / cos x 1 + sin x / cos x dx। cos x से cos x कट गया, सवाल आपका चेंज हो गया पूरी तरह से, 1 + sin x dx। देखिए अब इस सवाल को फिर हम लोग ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं, 1 + sin x को cos x में बदलिए, cos π / 2 - x dx बन गया ना। 1 + cos x 1 + cos x, ये देखो बन गया, क्या बन जाता है। ऊपर भेजेंगे, ऊपर नहीं भेजेंगे, अभी यहीं से चेंज कर लेते हैं पहले। 1 + cos x क्या होता है? 2 cos² जो भी x है, π / 2 - x / 2 dx। अब ऊपर भेज दो, अब ऊपर भेज दिया तो ये हो जाएगा, 1/2 को तो बाहर कर दिया, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? sec² और ये 2 अंदर कर दो, π / 2 में किया तो 4 और ये x / 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करने हम लोग को आता है, sec² का क्या होता है? tan जो भी है x, π / 4 x / 2
और बटा में इसका माइनस वन बाई टू, क्लियर है, प्लस में सी, इस हाफ से ये हाफ कट गया, ये माइनस जो है तो माइनस आ जाएगा, माइनस आपका टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बटा टू, तो इस एंगल से माइनस अगर खींचते हैं हम लोग बाहर तो ये माइनस को कैंसिल कर देगा, या जैसे समझ सकते हैं इस माइनस को अंदर कर देंगे तो यहाँ से एंगल सिर्फ उलट जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स बटा टू माइनस पाई बाई फोर प्लस में सी, ये आपका राइट आंसर है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको कर देंगे वन बटा साइन एक्स, इसको कर दिया वन बटा साइन एक्स, जहाँ जहाँ कॉस एक्स, और कॉट एक्स का तो फॉर्मूला जानते हैं कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, इसको एलसीएम ले लेते हैं, वन माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, क्या बन गया आपका वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा ये तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया, वो टू साइन स्क्वायर एक्स बटा टू फार्मूला, ऊपर भेज दो, वन बाई टू तो वन बाई टू बाहर कर देते हैं, और वन बटा साइन स्क्वायर एक्स को कॉसिक स्क्वायर एक्स, एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू, वन बाई टू कॉसिक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉट एक्स बाई टू, कौन सा माइनस वाला, और बटा में एक बटा दो, ये कट गया जी, माइनस कॉट एक्स बटा टू प्लस में सी, ये आपका राइट आंसर है। इसको आप लोग नोट, स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स अगर बराबर होता है रूट टू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी के, तो ए बराबर वाट और बी बराबर वाट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं सोचना है हमको, इसके बराबर कर देना है बस, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और ये आ जाएगा, दोनों को कंपेयर कर लेंगे काम अपना बन जाएगा। देखिए क्या होता है, वन प्लस इस साइन को बदल दो कॉस में, कॉस पाई बाई टू माइनस टू एक्स डी एक्स, ये लेके चलो, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा तब जाके ही हो पाएगा, देखेंगे, अच्छा ठीक है, चलिए वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस टू एक्स बटा में टू और ये डी एक्स, रूट टू साइन, अब मैं इसको नहीं लिखता हूँ ठीक है, जितना रिजल्ट आएगा उसके बाद में कंपेयर कर लेंगे ठीक है, जगह की कमी की वजह से। देखिए ये हो जाएगा रूट टू कॉस स्क्वायर, इसको स्क्वायर से रूट कट जाएगा कॉस, और ये टू अंदर गुना हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस टू एक्स से टू एक्स कट गया तो सिर्फ बचेगा एक्स और ये डी एक्स ठीक है। अब देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का माइनस वन प्लस में सी, ये हो गया इस माइनस को अंदर गुना कर देते हैं तो हो जाएगा रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस में सी, एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस में सी, ये जो आया है डाटा, इस डाटा को हम लोग इसके बराबर करते हैं, देखिएगा रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस सी बराबर रूट टू साइन एक्स प्लस ए प्लस में बी, बी बराबर हो गया सी के जो कि कहलाता है आर्बिट्री कांस्टेंट, रूट टू से तो रूट टू मैच कर गया साइन साइन एक्स एक्स, और ए के जगह पे ए बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, देखा कितना आसानी से ये बन गया ठीक है। इंटीग्रेशन करना है साइन थ्री एक्स साइन फाइव एक्स डी एक्स का। देखिए बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने फॉर्मूला लिखा है एक नंबर एक दो तीन और ये चार फॉर्मूले, इन्हीं चार फॉर्मूला का उपयोग करके ये सवाल बनेगा, सॉरी चार फॉर्मूला नहीं एक ही फॉर्मूला लगेगा अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे, इसलिए मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग इसको अभी नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो बाद में कॉमेंट आती है कि सर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा था। टू साइन ए साइन बी रहेगा तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, टू कॉस ए कॉस बी रहेगा तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी,
टू साइन ए कॉस बी रहेगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी रहेगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और ये सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। और देखिए क्या होता है, लगाएंगे हम लोग, टू तो लगा हुआ है नहीं भाई, ये टू रहेगा तभी ना फॉर्मूला काम करेगा, तो टू लगा दिया, टू कैसे लगा दिया, तो टू यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, गुना कर दिया और भाग दे दिया, काम बन गया टू बन गया। हाफ को बाहर कर देते हैं और देखिए फॉर्मूला बन गया टू साइन ए साइन बी, फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तीन एक्स में से पाँच एक्स गया। पहला स्टेप में मैं लिख ही देता हूँ, बाद में फिर लिखूंगा नहीं, एक डायरेक्ट कर दूंगा। और तीन एक्स और पाँच एक्स आठ एक्स डी एक्स, हाफ कॉस टू एक्स, कौन सा टू एक्स, माइनस टू एक्स कॉस आठ एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा हो जाता है, तो ये डायरेक्ट लिख दो टू एक्स माइनस कॉस आठ एक्स डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ कॉस का होता है साइन टू एक्स बट्टा टू माइनस कॉस का होता है साइन आठ एक्स बट्टा आठ प्लस में सी। इस हाफ को आप चाहो तो अंदर गुना कर सकते हो, कर ही देते हैं, साइन टू एक्स दो दो चार माइनस साइन आठ एक्स आठ दुना सोलह प्लस में सी। नोट डाउन करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया है, साइन फोर एक्स साइन आठ एक्स डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, टू लगा नहीं है तो टू लगा दिया, फॉर्मूला देख लिया, पहला नंबर ही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो रहा है। हाफ तो बाहर आ जाएगा, टू साइन एक्स साइन ए साइन बी, फिर वही चीज़ करना है हम लोग को, फिर वही करना है, क्या हो जाएगा कॉस चार एक्स में से आठ एक्स गया तो माइनस वाला चार एक्स माइनस कॉस आठ चार बारह एक्स डी एक्स, माइनस चार एक्स तो वही हो जाता है माइनस कॉस बारह एक्स एंड डी एक्स। इंटीग्रेशन करना है, हाफ कॉस का होता है साइन फोर एक्स बट्टा फोर माइनस साइन बारह एक्स बट्टा बारह प्लस में सी। इधर गुना कर दो, साइन फोर एक्स बट्टा चार दूना आठ माइनस साइन बारह एक्स बट्टा बारह दूना चौबीस प्लस में सी। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का, पढ़ा दिया साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला नंबर आपका सी लग रहा है। इधर भी टू लगा देते हैं, देखिए इधर लगा दिया टू और गुना भी कर दिया टू से, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। हाफ को बाहर कर दिया, टू साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला ये लग रहा है, फॉर्मूला ये लग रहा है, फॉर्मूला सेम सेम सामने लिखा हूँ ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा बाबा, देखेंगे साइन स्टूडेंट देखेंगे 2x और 3x 5x प्लस 2x में से 3x गया तो साइन माइनस एक्स। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, कॉस में माइनस लगता है एंगल में तो पॉजिटिव में रह जाता है, जबकि साइन का जो एंगल लगेगा तो वो साइन अपने एंगल को बाहर भेज देगा, सॉरी माइनस को बाहर भेज देता है, माइनस साइन एक्स। बस इतना ही करना था और ये बन गया साइन 5x का माइनस कॉस 5x बट्टा 5 माइनस ये कॉस माइनस माइनस लगेंगे तो प्लस हो जाएगा एंड प्लस में सी। हाफ को अंदर गुना कर दो, ये कॉस पहले लिख लेना कॉस एक्स पट्टा टू माइनस कॉस फाइव एक्स पट्टा टेन प्लस में सी। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसको देखेंगे 26 का दो दिया हुआ है साइन थ्री एक्स कॉस फोर एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, टू इधर लगा दिया टू इधर लगा दिया, मैं हाफ से टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला वही रह जाएगा सेम सेम फॉर्मूला, तीसरा नंबर फॉर्मूला लगा रहा है, क्या हो जाएगा साइन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स में से फोर एक्स गया तो साइन माइनस एक्स एंड डी एक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है जी, साइन सेवन एक्स ये माइनस को अंदर कर दो, क्या हो जाएगा साइन एक्स एंड डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस माइनस लगा के सेवन एक्स बट्टा में सेवन माइनस साइन एक्स का कॉस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस सी। हाफ को अंदर गुणा कर देंगे, कॉस एक्स बट्टा टू माइनस कॉस सेवन साधुना चौदह एंड प्लस में सी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे स्टूडेंट 26 का तीन दिया हुआ है साइन फोर एक्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स।
सिंपल, टू लगाई इधर भी टू लगा दिया, हाफ बाहर आ गया, टू साइन ए कॉस बी, तीसरा नंबर टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, चार तीन सात एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, चार एक्स में से तीन एक्स गया तो साइन में ही एक्स और ये डी एक्स हाफ। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, सेवन एक्स बटा सेवन प्लस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस में सी, ठीक है। अंदर अब गुना कर देते हैं हम लोग, गुना करेंगे तो ये चीज बन जाएगा क्या, और माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया कॉस सेवन एक्स बट्टा फोर्टीन प्लस कॉस एक्स बट्टा टू और ये प्लस में सी, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करेंगे फिर हम लोग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 का चार दिया कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स, सिंपल दूसरा नंबर फॉर्मूला लगेगा, इधर टू लगा दिया इधर टू लगा दिया, हाफ तो बार कर देंगे, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस टू एक्स में से फोर एक्स किया तो कॉस माइनस टू एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स और डी एक्स हाफ, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये टू एक्स ही रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉस सिक्स एक्स डी एक्स, हाफ हाफ रह गया, कॉस का होता है साइन टू एक्स बटा टू और इसका भी हो जाता है साइन सिक्स एक्स बटा सिक्स प्लस में सी, हाफ को अंदर गुना कर दीजिए, साइन टू एक्स बट्टा दो दो चार, साइन सिक्स एक्स छः दुना बारह प्लस में सी, ये आपका राइट आंसर हो गया। स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे के सवाल को हम लोग इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इस वीडियो को पढ़ने से आपको ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ही पहुँचाएँ जो अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन से भी नहीं जुड़े हैं, ताकि यह वीडियो जितने ज़्यादा तक जाएगा उतने लोगों को यह चीज़ लाभ पहुँचेगा और उनको मैथमेटिक्स पढ़ाने में सहूलियत होगी। मेरा तो इतना यकीन है कि जो लोग भी मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उनको इस सेक्शन में, इस मैथमेटिक्स सेक्शन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी।